Start, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल शहजाद है और मैं PhD साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ और आज के हवाले से जो मिडटर्म में हमें पेपर असाइन किया गया था, जिसका मेरे वाले पेपर का टॉपिक था कैरेक्टराइजिंग वेब सर्विसेज प्रोविजनिंग वाया CDN द केस ऑफ फेसबुक। इसको मैं आज प्रेजेंट करूंगा इसके हवाले से। तो ये जो पेपर था, इसके ऑथर्स थे मिस्टर फियाडिनो, मिस्टर डल कोंजो और पेड्रो केसास, और ये तीनों जो है टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर वायाना FTW में काम कर रहे होते हैं और ये रिसर्च उन्होंने उसी के अंडर रहते हुए प्रोसीड की थी। और ये जो पेपर है ये पब्लिश हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में जो कि थी 2014 इंटरनेशनल वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस, जो कि प्रोसीड हुई थी 4 से लेके 8 अगस्त 2014 को साइप्रस में। और ये नीचे इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन URL है, क्योंकि कंटिन्यू कॉन्फ्रेंस से हर साल अकर हो रही होती है, तो ये उसके हवाले से जो करंट डिटेल्स हैं वो देने के लिए URL था। हमारे पेपर की हायरार्की वही होगी कि जैसा कि सर ने हमें मतलब अपने वो जो रिक्वायरमेंट ऑफ द मिड टर्म्स थी उसमें मेंशन की थी कि आपने मोटिवेशन, रिसर्च कंट्रीब्यूशन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स, उसके बाद आपने अपनी ओपिनियन या रिकमेंडेशन देनी है। तो सबसे पहले मोटिवेशन था। सोशल मीडिया एप्लीकेशन जब से इंटरनेट के ऊपर आई हैं और उन्होंने आने के बाद अपना यूज़र बेस जो है वो मिलियन ऑफ द यूज़र में मतलब बढ़ा लिया है, तो उसकी वजह से जो एक मेन चैलेंज पैदा हुआ है वो ये था कि इतने नंबर ऑफ यूज़र्स को आपने जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड ना हो, बिकॉज इतने ज़्यादा यूज़र आपकी सर्विस को यूज़ कर रहे होंगे तो उनको आपने कैसे कॉपअप करना है इतने ज़्यादा यूज़र के लोड को। इस चीज़ को ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि ये फिनोमिना शेयर करते हैं वीडियो कंटेंट की साइट्स जो हैं, जैसे ना यूट्यूब, डेली मोशन वगैरह होते हैं, या ऑनलाइन गेम जो साइट्स बनी हुई है, हब्स बनी हुई है वो भी, क्योंकि इन तीनों के लिए सोशल मीडिया एप्स प्लस वीडियो कंटेंट प्रोवाइडर्स प्लस ऑनलाइन गेमिंग वाले, इन तीनों के लिए यूज़र का एक्सपीरियंस जो है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है ताकि उनको लैग्स वगैरह या डिस्ट्रप्शन फील वगैरह ना हो। तो इस हवाले से डिफरेंट तरह के काम किए गए इस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, और CDN या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो हैं वो उसमें से एक सोल्यूशन था इस परफॉर्मेंस की बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। और ये जो पेपर था ये उन CDN कैसे काम कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू फेसबुक, ये उस सारे मामले को ये वाला जो पेपर है ये रिव्यू कर रहा था, देख रहा था। फैसल, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो वो जो सारी डिटेल्स उनको मिली उसकी मदद से जो दूसरी कंपनीज हैं, जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं या ऐसी कंपनीज जो इसी तरह के बिजनेस में और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाह रही हैं, वो भी फिर इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को उसी तरह से बेहतर बना सकती हैं जिस तरह के फेसबुक ने बेहतर बनाई। तो इन जो ऑथर्स थे इन्होंने ये सारा काम करने के लिए मेथडोलॉजी के अडॉप्ट की। इन्होंने ये किया कि इन्होंने एक जो मेजर यूरोपियन ISP थी उसका जो 3G नेटवर्क था उसके ऊपर जो डाटा इन आउट हो रहा था उसको उन्होंने 1 महीने के लिए गैदर किया। उसमें से जितनी भी वेब ट्रैफिक जो है इस हवाले से जारी थी उसको उन्होंने 1 महीने तक रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने एक DB स्ट्रीम सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल करते हुए उस ट्रैफिक को फ्लो की फॉर्म में शेप आउट किया। मतलब वो तो था ना कि फ्रॉम IP टू IP, फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट, इस तरह से, तो वो मल्टीपल पैकेट्स आ रहे होते हैं। तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करवाया इस DB स्ट्रीम को यूज करते हुए, जो कि स्ट्रीम डाटा वेयर हाउसिंग के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। उसकी मदद से उनको एक स्ट्रीम वाइज डाटा मिलना शुरू हो गया कि जी अगर 1000 यूजर फेसबुक यूज कर रहे हैं तो उनके तो लाखों पैकेट आ रहे होंगे और जा रहे होंगे, लेकिन उसको उन्होंने स्ट्रीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि ओके जी यूजर नंबर 1 की ये स्ट्रीम है, यूजर नंबर 2 की ये स्ट्रीम है, यूजर नंबर 3 की ये स्ट्रीम है। उसके अंदर फिर मल्टीपल पैकेट्स आ रहे हैं तो वो तो फिर एक अलग मतलब वो हजारों पैकेट को उसने मतलब एक वक्त में जब एक बंदे ने कनेक्ट किया तो उसने उसको एक रिकॉर्ड की फॉर्म में ले आया। ये काम करने के बाद उन्होंने HTTP टैग एक सॉफ्टवेयर है उसको यूज करते हुए उन्होंने उस सारे डाटा के अंदर से जो HTTP की ट्रैफिक है नंबर एक तो ये कि उसको कैटेगराइज किया या क्लासीफाई किया और फिर उस HTTP की ट्रैफिक के अंदर से सिर्फ जो फेसबुक की तरफ से या तरफ को जा रही थी ट्रैफिक उसको उन्होंने एक साइड पे कर दिया, बिकॉज उनकी जो इंटेंशन थी वो यही थी कि हमने फेसबुक के हवाले से जो सरगर्मी हो रही है उसको मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है और उसके ऊपर अपना रिसर्च करनी है। ये करने के बाद उन्होंने ये किया कि जो भी फेसबुक के हवाले से डाटा उनके पास गैदर हुआ उसके अंदर से यूजर की प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया कि ऐसे जो डाटा था जो कि यूजर की आइडेंटिटी को पॉइंट आउट कर सकता था उसको रिमूव किया, जैसा कि IMSI या MSISDN इसी तरह से जो डाटा सेक्शन ऑफ द पैकेट होता है उसको। और उसके बाद उन्होंने फ्लो वॉल्यूम और काउंट को वैल्यूज को चेंज कर दिया, उसके लॉग्स वगैरह ले लिए ताकि एक्चुअल वैल्यू ना आए बल्कि उनका वो जो इम्पैक्ट है वो नजर आना शुरू हो जाए विद रिस्पेक्ट टू अदर पैकेट। उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो जो डाटा वाली साइड थी जो बेसिकली डाटा होता है जिसके अंदर हेडर जा रहा होता है पैकेट के अंदर उसके अंदर से सिर्फ HTTP हेडर तक की इंफॉर्मेशन सेव रखी। उसके बाद जो उस हेडर के बाद जो डाटा होता है HTTP वाला उसको भी उन्होंने रिमूव कर दिया, बिकॉज उसमें ज़रा यूजर के कोई मैसेजेस या यूजर की पोस्ट या यूजर ने जो डाटा रिक्वेस्ट किया हुआ फेसबुक से वो जा रहा होगा तो वो भी उन्होंने रिमूव करके सिर्फ HTTP हेडर की इंफॉर्मेशन रखी। ये काम करने के बाद उन्होंने ये किया कि वो ऑलरेडी उस डाटा को प्लॉट कर चुके थे वो जो स्ट्रीम की फॉर्म में, उस स्ट्रीम की फॉर्म में जो डाटा उनके पास कलेक्ट हुआ था उसको ने एक MaxMind जियो सिटी डेटाबेस थी वहां से उन्होंने जो सर्वर साइड का IP था उसको ट्रांसलेट करवाया कि ये जो IP है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, यानी कि कौन सा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ये वाला IP होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ ये वाली जो स्ट्रीम की ट्रैफिक आ रही है ये फलां कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो उससे ये हुआ कि इनको यूजर साइड पे नहीं लेकिन सर्वर साइड के ऊपर जो था एक टैग्स लगते चले गए उस डाटा के ऊपर कि ये डाटा फेसबुक से आ रहा है, ये डाटा Akamai नेटवर्क से आ रहा है, ये डाटा XYZ से आ रहा है। तो इस तरह से करके उन्होंने वो टैगिंग कर ली सर्वर साइड की कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस वाली स्ट्रीम को डील कर रही है। ये क्लीनिंग और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उन्होंने फिर इस डाटा के ऊपर अपना वर्क परफॉर्म किया और इन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि फेसबुक डाटा की कैशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा होता है ओवरऑल द इंटरनेट के ऊपर। तो ये तो थी इनकी मेथडोलॉजी। अच्छा, जब ये सारी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, आइडेंटिफिकेशन की, तो उनको जो रिजल्ट मिले वो कुछ इस तरह के थे कि सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा कि जो भी उन्होंने वो एक महीने का डाटा ऑब्जर्व किया उसके अंदर उनको 6500 से ज़्यादा सर्वर के IPs मिले और वो 6500 से ज़्यादा जो IP जिन भी सर्वर पे होस्ट हो रहे थे उनकी जो जियो लोकेशन थी वो तकरीबन 260 प्लस ASs के अंडर रहते हुए वो मतलब मुख्तलिफ तरह के ASs थे जिनके अंडर रहते हुए वो IP रजिस्टर हुए हुए थे और वो मोर देन 20 कंट्रीज के ऊपर स्प्रेड थे। और कंट्री वाइड जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो उनको मिली उस डाटा में से वो इस तरह की थी कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन में वो टैग नहीं होता, कंट्री वाइज वो सारे एक ही तरह के कंसीडर हो रहे होते हैं और दूसरा उनकी कुछ प्राइवेसी रिक्वायरमेंट भी एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली जो जहाँ पे होस्ट हो रहा है सर्वर वो लाइबिलिटी उनकी बन जाती है, वो जो यूरोपियन यूनियन की प्राइवेसी पॉलिसीज हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने यूरोप का तो जितने भी उनको सर्वर्स मिले उन्होंने एक ही नाम दे दिया यूरोप का। अब ये मल्टीपल कंट्रीज हैं यूरोप की वो उसमें थी तो वो 46.8% सर्वर जो थे वो यूरोप की किसी कंट्री में पड़े हुए थे। जिस जहाँ पे बैठ के उन्होंने रिसर्च की यानी कि इटली में वो जो एक मेजर ISP थी वो उसके 37.2% सर्वर वहाँ पे थे। फिर आयरलैंड के अंदर 12% थे, नेबरिंग कंट्रीज में से इसी तरह से वो डिटेल ये जो आपके सामने टेबल में एंड में आ रही है इस तरह से उनकी वो दी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये देखा जो कि जिस तरह के उन्होंने बताया था कि उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई की थी कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस डाटा को होस्ट कर रही होती हैं। तो उनको पता चला कि जो सबसे बड़ा मेजर शेयर होता है इस सर्वर साइड का वो Akamai एक CDN प्रोवाइडर कंपनी है उनके सर्वर्स का था, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द सर्वर जो कि तकरीबन 2000 प्लस थे वो अकामाई नेटवर्क के अंडर काम कर रहे थे। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर टाइनेट आ रहा था। NO2, NO1 जो है वो नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशन कह लें, 1 और नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशन 2 है। ये ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि ये जिस ISP के अंडर रहते हुए इन्होंने अपने वो कंटेंट रखे थे, सॉरी वो जो कैप्चरिंग का सॉफ्टवेयर रखा हुआ था, तो उसके नेबरिंग जो दो ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी मेजर ISP होंगी जिनका ISP लेवल के ऊपर आपस में कनेक्टिविटी होती है, तो ये उनकी दो नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशन से इस लेवल का इनके अंडर 500 सर्वर्स जो है वो आ रहे थे। और इसी तरह फेसबुक के अपने भी कुछ सर्वर थे जो कि उतनी बड़ी तादाद में नहीं थे जितनी बड़ी तादाद में अकामाई नेटवर्क के थे, उनका अच्छा खासा जो है ना वो रेशो डिफरेंट था। उसके बाद जो नीचे वाली बी नंबर फिगर है वो ये शो कर रही होती है कि चले ये तो नंबर ऑफ सर्वर थे ना जो आइडेंटिफाई हुए, अब एक्चुअली उनमें से कौन से सर्वर कितने जो जितने भी उस दौरान में पैकेट कैप्चर हुए, जितनी ट्रैफिक उन्होंने मॉनिटर की एक महीने में, उसमें से कौन सी वाली कंपनी कितना बड़ा शेयर ले रही थी कंटेंट के हवाले से, यानी कि कितने ज्यादा कंपनी के सर्वर्स यूज हो रहे थे उस कम्युनिकेशन में। तो पता ये चला कि जो परसेंटेज ऑफ फ्लो था वो मोर तकरीबन 50% के करीब जो ट्रैफिक थी उस एक महीने में वो कम्युनिकेट कर रही थी उन सर्वर के साथ जो कि अकामाई का जो नेटवर्क है वो हैंडल कर रहा था। सेकंड नंबर के ऊपर फेसबुक आता था। थर्ड नंबर के ऊपर वो जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी उनके जो अपने कैशे सर्वर लगे हुए थे, यानी कि वो ISP जो थी जिसके अंदर बैठ के इन्होंने मॉनिटरिंग की, उसके अंदर जो सर्वर लगे हुए थे उसके जो उसके साथ जो कम्युनिकेशन हो रही थी उनके जो सर्वर थे कैशे वाले वो इस चीज़ को हैंडल कर रहे थे तकरीबन 15% ट्रैफिक को। इसी तरह से नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशन 1 और नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशन 2 इनका भी बीच में कुछ शेयर आ रहा था जो कि तकरीबन 7% और 2% था। अच्छा, ये फ्लो देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, और ये इस पेपर की मैंने ये जो गुड पॉइंट्स लिखे हुए थे उसमें भी डाला था कि इन्होंने ना उन सर्वर को बाकायदा वेरीफाई किया कि ये जिस तरह का डाटा हमारे पास आ रहा है क्या ये सर्वर उसी तरह से प्लेस्ड है। उनको रीवेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया कि उन्होंने थ्रू आउट द जो ड्यूरेशन थी एक महीने की उसमें जितने भी इनको यूनिक सर्वर की आईपीज मिले थे ये जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहते हुए, उन्होंने एक ऑटोमेटिक कुछ प्रोग्राम वो शेड्यूल किए हुए थे जो कि हर 10 मिनट के बाद हर IP के ऊपर 100 ICMP इको रिक्वेस्ट भिजवाते थे, और जब वो रिजल्ट वापस आते थे उसका रिप्लाई आता था इको का, तो वो उसको लॉक करते थे कि इसने कितना राउंड ट्रिप टाइम लिया है, और जितना राउंड ट्रिप टाइम हाई होता था लो होता था उससे वो आइडिया लगाते थे कि ये मतलब वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिस तरह अगर ये लोकल सर्वर लोकल ISP के अंदर रहते हुए जो कैशिंग सर्वर है उसकी IP को ये पिंग करते हैं, तो जाहिर है चूंकि वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी पिंग की हॉप्स जो है वो 1 या 2 हॉप्स बनने चाहिए थे, तो ये फर्दर कंफर्मेशन हो जाएगी कि ठीक है ये जो सर्वर है चूंकि सिर्फ 1 या 2 हॉप की दूरी के ऊपर है तो उसका मतलब है कि वाकई ये बिल्कुल ठीक है कि ये इसी ऑर्गेनाइजेशन के लोकल उसके अंदर ही पड़ा होगा। इसी तरह जो NO1 NO2 है जो नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशन 1-2 थे वो जो है वो समझ लें 3-4 हॉप्स के ऊपर होंगे या 5 हॉप्स मैक्सिमम के ऊपर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके उन्होंने इसको रीवेरीफाई किया। तो उसके लिए वो करते जिस तरह से ये यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ भी है कि वो 100 ICMP इको रिक्वेस्ट पर IP जो उनको आइडेंटिफाई हुए थे हर 10 मिनट के बाद भिजवाते थे, और जो वैल्यूज आती थी उसमें से वो मिनिमम वैल्यू को रिटेन रख लेते थे, और इस तरह से 6 RTT वैल्यू पर आर पर सर्वर IP ये लोग अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते थे। और ये नीचे उसका फ्लो भी दिया हुआ है कि वो उसमें वो कितने फ्लोज किस तरह से चल रहे होते थे, और इनका जो RTT था वो कौन से वाले अकामाई का RTT किस तरह से चल रहा था, कितने वो आ रहा होता था, और इसी तरह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद इन्होंने देखा कि ये जो इनको यूनिक IPs मिले सर्वर्स के वो उन्होंने देखा कि कितने परसेंट ऑफ यूनिक IP किस किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए किस किस IP सबनेट में या किस किस IP क्लास में या किस किस IP की रेंज के अंदर वो IP फॉल कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अलग अलग दिया हुआ है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले वाले ग्राफ के अंदर आए तो परसेंटेज ऑफ यूनिक आईपी में जो एकामाई के सॉरी फेसबुक के जो अपने हैं वो 32.0.0.0 के अंदर 60% उन्होंने आईपी उस वाले क्लास में से लिए हुए थे। और उसके बाद सेकंड नंबर वाला सर मुझे नजर नहीं आ रहा, एक मिनट में ये जी सर। और उसके बाद सेकंड जो है 64.0.0.0 के अंदर उनके तकरीबन 30% के करीब 28% के करीब यूनिक आईपी जो है वो इस वाली सीरीज में फॉल कर रहे थे। और फिर कुछ उनके आईपीज लाइक वो 10-12% जो है वो 160 की सीरीज या 160 पॉइंट सम के अंदर वो जो है ना वो फॉल कर रहे थे। इसी तरह जो आपका बी नंबर ग्राफ है वो ये बता रहा है कि जो आपकी रेंजेस हैं वो कौन कौन सी में फॉल कर रही है, किस किस की। तो इसमें से नज़र आ रहा है कि जो एकामाई और फेसबुक हैं इनके तकरीबन 70-80% जो हैं वो आपकी इस वाली आईपी रेंज जो 000 से 32.000 तक है उसके अंदर फॉल कर रहे होते हैं। फिर तीसरी उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये की, इसको टेस्ट को रन करते हुए, कि इन्होंने देखा कि वो जो जितने भी हमें टोटल इस एक महीने में आईपी मिले हैं वो आईपी एक्टिव जो है वो किस किस टाइम में उनमें से कितने कितने आईपी एक्टिव होते हैं। क्योंकि एक्चुअली जब सीडीएन होते हैं ना तो वो यूजर लोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसमें ये होता है कि जब आपका यूजर लोड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो सर्वर या जो होस्टिंग के या जो उनको डिलीवरी करने के वो जो होते हैं सर्वर्स होते हैं वो भी उसी एतबार से बढ़ जाते हैं। और जब लोड कम होता है तो ऑटोमेटिकली वो पावर और खर्चा और कॉस्ट वगैरह जो इसके ऊपर आ रही है उसको बचाने के लिए पावर वगैरह भी वो उनको डाउन कर देते हैं जो यूजलेस होते हैं। तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने ये किया कि वही जो पिंग है उसकी मदद से ये भी चेक करते रहे कि जो हमें आईपी मिले हैं वो 24 आवर्स में कितने टाइम अप होते हैं और कितने टाइम डाउन होते हैं। तो उसके अंदर ये सामने ग्राफ आपके हिस्टोग्राम शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि जो सबसे ज़्यादा थे भी कमाई की जो उनको ऑब्जर्व हुए थे और उसके अलावा वो किसी खास वक्त में ऑन होने के हवाले से भी किसी एक खास वक्त में जो अवेलेबिलिटी ऑफ द आईपीज है वो सबसे ज़्यादा एकामाई के आ रहे होते थे, जो कि ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो तो शो कर रहा है ओवरऑल नंबर ऑफ आईपीज कितने अप हैं और कितने डाउन हैं। और उसके बाद एकामाई का ये जो स्काई ब्लू है और सेकेंड नंबर के ऊपर फेसबुक का आप देख रहे हैं कि वो तकरीबन एक स्टेडी सा उनका है, उनके सर्वर बहुत ज़्यादा ये वाला काम नहीं कर रहे होते कि अगर लोड बढ़ रहा है तो उसको सर्वर अप कर दें और कम हो रहा है खत्म कर दें, उसकी तकरीबन एक स्टेबल सी एक लाइन चलती आ रही है। तो यहाँ पे इस ग्राफ के शुरू में देखा जा सकता है कि रात के 12 बजे फॉर एग्जाम्पल 400 के करीब आईपी अगर अप हैं तो उसके बाद आगे आगे जो जो टाइम गुजरता जा रहा है तो वो यूज़र लोड कम होने के साथ साथ जो एक्टिव आईपी हैं वो भी कम होते जा रहे हैं और तकरीबन 4 से 6 के दरमियान जो आईपी हैं वो अंडर 200 आईपी जो हैं वो एक वक्त में या अंडर 200 कंटेंट डिलीवरी के सर्वर जो हैं वो अप हो जाते हैं। और उसके बाद फिर 5-6 बजे के बाद वो चूंकि यूज़र लोड बढ़ना शुरू होता है, सुबह होना शुरू होती है, तो वो ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ते 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 उसके बाद ये तकरीबन शाम के 6 बजे के करीब अपने पीक पे पहुंचा होता है, जबकि तकरीबन 900 या 850 के करीब जो कंटेंट डिलीवरी के सर्वर्स हैं जो कि यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो अप हो जाते हैं। और उसके बाद ग्रेजुअली इसी तरह रात के 12 तक ये पैटर्न चलता रहता है। उसके बाद टोटल आईपी जो उनको आइडेंटिफाई हुए थे वो 6551 थे, उसमें /24 के ऊपर जो थे नेटवर्क के ऊपर वो 891 थे, जबकि /16 पे 498 थे। हाउएवर इन्होंने ये चीज़ चेक की कि इन्होंने डिफरेंट तरह के सर्वर तो हैं लेकिन उनमें से मेजॉरिटी जो हो रही है वो कुछ खास एड्रेस ब्लॉक्स हैं उनके थ्रू ही सर्विस प्रोविजन हो रही होती है। बाकी जो नंबर ऑफ जो बहुत सारे सर्वर उनको जो आईपीज मिले उसमें से यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द सर्वर जो हैं वो किसी खास एक ब्लॉक से ताल्लुक रखते थे और बाकी जो हैं वो डिस्पर्स हुए थे दूसरे उसमें। इसके हवाले से इन्होंने दो आरा कायम की, एक तो ये कि वो जो बाकी सर्वर्स हैं वो शायद लोड बैलेंसिंग या इस तरह के कामों के लिए उस वक्त एक्टिव यूज़ ना हो रहे हों, और दूसरे उनके जहन में ये भी इशू आ सकता था कि हो सकता है कि वो वाले जो दूसरे ब्लॉक्स के अंदर आईपी थे वो किसी और जियो लोकेशन को सर्विस दे रहे हों, यानी कि वो एक्टिव हों बट वो इस वाले एरिया को जिस एरिया के आईएसपी में बैठ के इन्होंने मतलब ये सारी रीडिंग ली है इनके लिए ना बने हुए हों वो किसी और एरिया को, जियोग्राफिक लोकेशन को सर्विस देने के लिए आप हूँ, और उसकी वजह से इनका उनके साथ फ्लो बहुत कम रहा है। यही हाल फेसबुक NO1 और NO2 का था। उनके भी 89%, 91% और 82% जो ट्रैफिक है ये उनके खास IP रेंजेस और सिंगल या टू IP रेंजेस थी, वहाँ से आ रही होती थी। बाकियों में सर्वर तो डिटेक्ट हुए थे, कुछ फ्लोज भी डिटेक्ट हुए थे, लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्लोज थी। मेजर चंक जो है वो इन खास किस्म के IP से आ रहा होता था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया कि अकामाई कितने ज्यादा वॉल्यूम जो उन्होंने टोटल ट्रैफिक कैप्चर की उसमें से किस किस का कितना कितना शेयर था। पहले वाला जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है, तो पता ये चल रहा है कि अकामाई का जो जितना भी वॉल्यूम इस दौरान में उन्होंने कैप्चर किया उसका 63.4% बल्कि 65% तकरीबन जो है वो अकामाई नेटवर्क में हैंडल किया, जबकि फेसबुक का अपने जो सर्वर थे उनका शेयर इसके अंदर सिर्फ अराउंड 20% था। इसी तरह जो लोकल कैशे वाली ऑर्गेनाइजेशन थी ISP, उसका भी तकरीबन 18-17% जो है शेयर था उस कंटेंट की डिलीवरी के अंदर या उन ट्रैफिक फ्लोज के अंदर। फिर उन्होंने दूसरी चीज़ ये देखी कि फ्लो साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है फेसबुक है तो फेसबुक के ऊपर लाइक टेक्स्ट डाटा भी जा रहा है, वीडियोस भी जा रही हैं, मतलब इस तरह की और चीज़ें भी जा रही हैं। तो उन्होंने ये देखा कि फ्लो साइज के हवाले से अगर कोई चैटिंग हो रही है तो उसका फ्लो साइज कम होगा उस वाले फ्लो का, क्योंकि उसमें सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है। कोई वीडियो देख रहा है फेसबुक की तो वो, या पिक्चर देख रहा है तो उसका साइज फ्लो का थोड़ा बड़ा होगा। तो उन्होंने ये चीज़ चेक की कि फ्लो वाइज जो है ना किसका कितना परसेंट शेयर था। तो उसमें देखा गया कि जो अकामाई नेटवर्क है जो कि ब्लू लाइन से शो हो रहा है वो थोड़ा सा बड़े साइज के फ्लो में वो ज्यादा आप देख रहे हैं, जो ब्लू कलर की लाइन है थोड़ा सा नीचे वाली साइड के ऊपर है, ठीक है। और इसी तरह लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन का कैशे था, ये दोनों जो है ये बड़े साइज के कंटेंट को ये हैंडल कर रहे हैं, जबकि फेसबुक जो है ना सर अपर वाली साइड पे नजर आ रहा है। ये शो कर रहा है कि ये जिस फ्लो साइज को हैंडल कर रही थी वो थोड़े छोटे साइज के फ्लो के अंदर जो है ना वो फेसबुक खुद हैंडल कर रहा होता है। उससे जाहिर ये होता है कि जो डायनेमिक किस्म के कंटेंट है, जिस तरह चैट हो रही है, चैट ऐसी चीज़ है जो आप कैसे नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने क्या मैसेज करना है, आगे से क्या जवाब आना है। तो ऐसी चीज़ें जो है फेसबुक अपने सर्वर के थ्रू हैंडल करता है, जबकि बड़े साइज के फ्लो वो शो कर रहे हैं कि आपकी कोई वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, कोई वीडियो चैटिंग हो रही है, या इसी तरह से जो रिलेटेड फोटो वगैरह के हवाले से जो डाटा है वो जो चीज़ें हैं वो चूंकि कैशेबल है। आपने एक बार वीडियो अपलोड कर दी तो वो आप अगले 1 साल तक उस वीडियो को देखते रहे तो उस वीडियो ने वही रहना है जो वो थी। तो इस तरह के जो बड़े साइज के फ्लोज हैं ट्रैफिक के, वो या लोकल कैशे से हैंडल हो रहे होते थे उस ISP के, या फिर वो अकामाई के कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के ऊपर से वो डाटा आ रहा होता था। उसके बाद ये जो अगली चीज़ स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये है टेम्पोरल सिमिलरिटी प्लॉट है। ये टेम्पोरल सिमिलरिटी प्लॉट क्या करता है, ये बेसिकली इसके अंदर जो मुख्तलिफ तरह के आपको ये खाने से नज़र आ रहे हैं, ये जो खाने हैं ये शो कर रहे हैं एक टाइम I और J के ऊपर किसी चीज़ की क्या पोजीशन है, ठीक है। यानी कि अगर आप राइट साइड से उसकी डायमेंशन लें तो I वैल्यू ले लें किसी टाइम के ऊपर, दूसरी साइड से लें तो J वैल्यू ले लें, तो एक उनके मुकाम इत्तिसाल के ऊपर जहाँ पे वो मिल रहे हैं और एक ये स्पेयर छोटा सा बन रहा है, यहाँ के ऊपर जितना ज़्यादा डाटा ब्लूइश साइड के ऊपर होगा तो ये शो करेगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिफरेंट है, और ये जितना ज़्यादा रेडिश साइड के ऊपर होगा तो ये शो करेगा कि सिमिलैरिटी है। सर आपकी स्लाइड नजर नहीं आ रही, दोबारा शेयर कर लें। हाँ अब आ रही, और क्विकली ज़रा जल्दी करें, आपका टाइम जो है ना काफ़ी हो गया। 15 मिनट्स में करके और फिर 5 मिनट्स के क्वेश्चन आंसर्स देना ताकि सबका कंप्लीट है 2 दिन। तो सर बस ये इसमें ना ये यहाँ पे ना कर दें आप, ज़रा इसके कंक्लूजन पे चले जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर ये डिस्कस करूँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और ये कर लें सर। इसमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे वो 3 थे। सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये था कि जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है वो इन्होंने ISP लेवल के ऊपर गैदर किया है। उसकी वजह ये है कि ISP जो है वो यूज़र के बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के ऊपर होती है, तो इनको यूज़र का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द सर्विस और सर्विस का बिहेवियर जो है टुवर्ड्स द यूज़र, जो कि इनका असल मकसद था कि इन्होंने बेसिकली यूज़र की परफॉर्मेंस के हवाले से मेजरमेंट लेने थे, तो इनको वो ट्रू नियर टू द यूज़र एरिया के ऊपर इन्होंने फ्लो कैप्चर किया। ये एक पॉजिटिव बात थी। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने उस डाटा को सिर्फ कैप्चर नहीं किया, उसको वेरीफाई भी किया। इनके उन्होंने पिंग करके देखा, फिर उसकी अप टाइम देखा, उसकी आरटीटी वैल्यू देखी। तो उन्होंने सिर्फ जो इनको डेटाबेस आईपी से उसकी लोकेशन मिली या डिटेल मिली, सिर्फ उन्होंने उस पर इकतफा नहीं किया, बल्कि उन चीज़ों को दोबारा से वो कंटिन्यू थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दैट फाइंडिंग उसको वेरीफाई करते रहे, पिंग वगैरह करके और उसकी आरटीटी वैल्यू नोट करके कि ये फाइंडिंग जिस तरह के हम एज्यूम करें उसी तरह से हैं कि नहीं। तीसरी चीज़ उन्होंने ये की कि उन्होंने मल्टीपल तरह से इस के अंदर ग्राफ चार्ट, हिस्टोग्राम, वो हीट मैप वाला था, इस तरह से करके उन्होंने रिजल्ट को इलस्ट्रेट किया। और इस तरह से जो एंड यूज़र है जो कि इस पेपर को पढ़ रहा होता है उसको समझने के लिए उन्होंने बड़ा आसान बना के चीज़ों को पेश किया। और उसके बाद उन्होंने ये किया कि तकरीबन मोस्ट ऑफ द पॉइंट में जब वो ओवरऑल कंपैरिजन देते थे तो ओवरऑल कंपैरिजन के साथ साथ वो ये वैल्यू बताते थे कि जो चूंकि बड़े नेटवर्क की सारी स्टडी में आइडेंटिफाई जो हुए थे वो अकामाई और फेसबुक के अपने सर्वर थे। तो उन्होंने साथ साथ ना सिर्फ एक बड़े लेवल की पिक्चर देते थे बल्कि साथ साथ वो फेसबुक और अकामाई के रिजल्ट भी मेंशन कर देते थे ताकि यूजर जिसने ओवरऑल व्यू देखना है कि ओवरऑल लेवल के ऊपर किस तरह से काम हो रहा था तो वो भी उसको नजर आ जाता था। और ओवरऑल लेवल के नीचे सेकेंड स्टेप के ऊपर ही जो मेजर दो चंक होते थे अकामाई नेटवर्क और फेसबुक नेटवर्क वो वाले डाटा में कैसे इंटरवीन कर रहे होते थे वो भी सामने नजर आ जाता था। ये तो थे इसके सर वीक बेस्ट पॉइंट कह लें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जो उसके वीक पॉइंट थे वो जो मेरे ध्यान में आए, जो मैंने आइडेंटिफाई किया पढ़ने के बाद, नंबर एक तो ये था कि जो डाटा सेट का रिकॉर्डिंग टाइम था वो सिर्फ 1 महीना था। 1 महीना वैसे तो अच्छा खासा टाइम है और अच्छा खासा डाटा भी इन्होंने किया, लेकिन अगर आपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के एंटरप्राइज है, जो जिस तरह के फेसबुक है, उसके लेवल की अगर आपने कैशिंग पॉलिसीज और इस तरह की पॉलिसीज को ऑब्जर्व करना है तो वो 1 महीना बहुत कम टाइम है। बिकॉज उनकी पॉलिसियाँ लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज होती हैं, इस तरह की नहीं होती कि ठीक है 1 महीना ये चला के देखो, ये नहीं हुई तो उसको चेंज करके ऐसे कर देंगे। तो उसके लिए मेरे ख्याल में इनका जो इसको ज़्यादा ट्रूली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा बड़े लेवल की पिक्चर देखनी चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, जो इन्होंने डाटा रिकॉर्ड किया वो उन्होंने एक ही आईएसपी के अंदर रहते हुए किया, उसकी वजह से उस आईएसपी के हवाले से या उसके अराउंड एंड अराउंड चीज़ों के हवाले से जो जिस तरह से फेसबुक बिहेव कर रहा होता है, जिस तरह आपने यूरोप के अंदर किया है तो यूरोप के अंदर जो नेटवर्क की फैसिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक फेसबुक इनको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। उसकी नस्बत अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं या किसी और XYZ अफ्रीका की कंट्री में चले जाएं तो वहाँ के नेटवर्क के हिसाब से, वहाँ के यूज़र के जो भी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की उसके हिसाब से कैशिंग हो सकता है डिफरेंट तरह से बिहेव कर रही हो, जिसका अभी हमें नहीं पता। क्योंकि अब इन्होंने मतलब एक ही एक पॉइंट के ऊपर डाटा लिया और उसके ऊपर सारी जम्पशन बेस कर ली, तो मेरे ख्याल में इनको मल्टीपल वर्ल्ड वाइड डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जाकर इसी तरह की रीडिंग्स लेके उसके बाद इसके ऊपर अगर वो ऑब्जर्वेशन अपनी या अपनी जो भी कंक्लूजन देते तो ज़्यादा बेहतर और अच्छी तरह का पैटर्न सामने आ सकता था। नंबर 3 ये कि इन्होंने जो भी रिजल्ट फाइंड आउट किए उन्होंने पब्लिश तो कर दिए, अगर ये इन चीज़ों को फेसबुक के साथ वेरीफाई करवा लेते कि सर हमने तो ये आइडेंटिफाई किया है तो आप इसके ऊपर कमेंट कर दें कि ये जिस तरह से हमने सोचा है आप इसी तरह से कर रहे हैं या किसी और तरह से कर रहे हैं। तो अगर उनकी तरफ से कोई वेरिफिकेशन आ जाती कि हाँ जी आपने ठीक किया या नहीं, आपने यहाँ पर ये गलती की है, इस तरह से नहीं, इस तरह होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो इन्होंने मेथड यूज़ किए ये मेथड वैलिडेट हो जाते। और अगर वो फेसबुक की तरफ से इनको इसकी वैलिडेशन मिल जाती कि हाँ जी जिस तरह से आपने ऑब्जर्व किया पैटर्न ये बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा था, तो होता ये कि इस तरह की चीज़ों की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए ये जो इनका पैटर्न था ये एक टिक लग जाता कि हाँ जी बिल्कुल इन्होंने ठीक तरह से मेथड सोचे हैं और कोई और बंदा भी इन मेथड को यूज करते हुए किसी और चीज की अगर वैलिडेशन करना चाहे या इस तरह से ऑब्जर्वेशन लेना चाहे तो ये मेथड बिल्कुल एक प्रूवन चीज है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है कि हमें इनके आइडियाज तो मिल गए कि इन्होंने वो सारा डाटा देखकर ये सोचा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कोई गलती थी कि नहीं गलती थी। उसके बाद सर एंड में जो मेरी ओपिनियन है वो चूंकि पेपर 2013 का है तो ये उस वक्त के हवाले से, चूंकि उस वक्त की सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, सोशल मीडिया इन हो चुका था, परफॉर्मेंस मेजरमेंट यूजिंग CDN एक इवॉल्व हो रही थी चीज़ें, बल्कि उस वक्त तो खैर मैच्योर हो चुकी थी। तो उसके हवाले से एक बड़ी अच्छी स्टडी थी कि इन्होंने उस इवॉल्विंग कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को उन्होंने स्टडी किया। उनका जो एम था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था कि हम किस तरह से ऐसी पॉलिसीज देखें जो फेसबुक ने इम्प्लीमेंट की हुई है जिसकी मदद से वो अपने इतने बड़े यूजर बेस को अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन के, और इसी चीज को फिर रीयूज किया जा सकता था उस वक्त भी और खैर अब भी इस तरह की चीजों को कि आप डिफरेंट जो वीडियो डिलीवरी या गेमिंग जेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर यही वाले टेक्निक्स अप्लाई करके देखें कि वो लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं या डिफरेंस है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि उनके दरमियान में ये कंपैरेटिव एनालिसिस करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स आइडेंटिफाई किए जाएं कि यार अगर इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अगर इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करे तो उसकी परफॉर्मेंस फेसबुक के लेवल की हो जाएगी या फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के लेवल की हो जाएगी या किसी और बड़े गेमिंग किस्म के लेवल की हो जाएगी। तो एक तो ये काम हो जाएगा। फिर दूसरी चीज ये की जा सकती थी या करनी चाहिए इनको कि इसको डिफरेंट जियो लोकेशन के ऊपर, जैसे इन्होंने यूरोप की एक आईएसपी पे की, तो इसी तरह से इसको मल्टीपल जियो लोकेशन के ऊपर जाकर काम करना चाहिए। और दूसरे कंटेंट वाली साइट्स जिस तरह यूट्यूब, वी चैक वगैरह हैं, इनके ऊपर भी ये वाली टेस्टिंग अप्लाई करके, रीडिंग अप्लाई करके इनको देखना चाहिए कि ये कैसे काम कर रही हैं। और करने के बाद उनकी आपस में रिजल्ट की कंपैरिजन और वैलिडेशन करने के बाद आप, वही बात है कि इसमें से बेस्ट टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, जो चाहे तो सब तरह के लिए हों या चाहे तो खास टाइप के लिए हों कि जी फेसबुक टाइप सोशल मीडिया के लिए ये वाली हमारी तरफ से रिकमेंडेड टेक्निक्स हैं, और चैट टाइप एप्लीकेशन के लिए ये रिकमेंडेड है, और वीडियो टाइप एप्लीकेशन के लिए ये रिकमेंडेड है। और इसका फिर फायदा ये होगा जो आइडेंटिफाइड टेक्निक्स हैं वो फेसबुक के पास वो बड़े बड़े इंजीनियर्स होंगे, वो अपने बंदे ज़ाहिर हायर करती हैं और उसके बाद वो बंदे हमको ऐसी पॉलिसीज बना के देते हैं। लेकिन वो सादी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इतनी हाई लेवल की वो इंटेलिजेंस या नॉलेज वाले पर्सन एफोर्ड नहीं कर सकती। वो भी कम अज कम, थैंक यू, टाइम जो है हमारे पास थोड़ा सा रह गया, मीटिंग एंड होने वाली है, क्वेश्चन आंसर्स क्विकली कर लेते हैं। और बाकी लोग भी जो इसके बाद करें प्लीज स्टिक टू 15 मिनट्स, ठीक है, उससे एक्सीड नहीं करना। और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे क्विकली कर लेता हूं, जरा पीछे रिजल्ट्स के सेक्शन पे जाएं प्लीज। वेट करें एक सेकंड में। सर रिजल्ट में कहां पे जाऊं? सर यहां से शुरू हो रहे हैं रिजल्ट। जी अच्छा, इसके अंदर यही जो, ठीक है, ये वाली फिगर दिखाएं। जी आपको दिखा रहा है यूनिक आईपीज़। अच्छा, इसमें आपको ये स्टेप्स क्यों नज़र आ रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, ये स्टेप्स क्या शो कर रहे हैं? सर ये शो ये कर रहा है कि जो बेसिकली यूनिक आईपीज़ है ना, अब इसमें एकदम से स्टेप आ रहा है, ये राइट वाली की हम बात कर रहे हैं अभी, जो राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर जो ब्लॉक है, तो ये शो ये कर रहा है कि मतलब इतने % ऑफ द जो आईपीज हैं वो इस खास एरिया के हैं। फिर एकदम से एक स्टेप आता है, ये स्टेप ये शो कर रहा है शायद कि ये जो अगला जो बैच ऑफ द आईपीज आया है ये शायद किसी और डाटा सेंटर के अंदर लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 4 डाटा सेंटर हैं तो मैं एक के ऊपर, ठीक है, 32 वाली ऐसे ही है। ये आपको ये शो कर रहा है कि आपके जो डिफरेंट आईपीज हैं वो डिफरेंट डाटा सेंटर्स को शो कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये जो एक स्टेप है आपका, जो एक परसेंटेज है 20% दीज आईपीज बिलोंग टू वन डाटा सेंटर, ठीक है, 50% वो सारे किसी खास डाटा सेंटर में। इट मींस कि आपके जो डिफरेंट इवन फेसबुक, अकामाई, सब लोगों ने अपने डिफरेंट डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक सेंट्रल जगह से सारा डाटा जो है वो सर्व हो रहा है। इनके मुख्तलिफ डाटा सेंटर हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, और वहाँ से आपको जो है ना ये कंटेंट डिलीवर हो रहा है, ठीक है। सो अच्छा, इसके साथ ही ये कौन सी फिगर है, आई डोंट नो, पेपर में से इसके साथ ही एक फिगर 2 थी, आई थिंक इसके आसपास की थी, उसमें अगर आप दोनों, ये सर 1 और 2 दोनों वही हैं, इसमें वो लेटेंसी शो हो रही है, लेटेंसी वाली फिगर जो है फिगर नंबर 2 है पेपर में, आई थिंक लेटेंसी वाली। लेटेंसी सर आरटीटी की लेटेंसी कह रहे हैं जी, सर आरटीटी की लेटेंसी, मैं सर पेपर खोल लेता हूँ। उसमें अगर आप देखें तो मोस्टली जो आपकी लेटेंसी आ रही है वो जो है ना सर, वो फिगर कौन सी है सर? फिगर नंबर 2 है आई थिंक, फिगर 3, फिगर 2, मैं सर शेयर कर लेता हूँ। सर ये वाली कह रही है आप? जी जी, ये जो बी है इसका बी फिगर है, बी वाला सर, ये वाला नहीं सॉरी, हाँ फिगर 2A है। फिगर 2A में देखें अब आपकी आरटीटी जो आ रही है तकरीबन 50% आई जो आपके हैं इसकी आरटीटी है लेस देन 5 मिली सेकेंड्स। जी हाँ जी बिल्कुल सर, लेस देन 5 मिली सेकेंड्स। इसका क्या रीज़न है, इतनी कम आरटीटी क्यों है? मतलब आप किसी भी सर्वर से डाटा फेच करें और वो आपको जो है ना 5 मिली सेकेंड से भी कम टाइम में वो रिटर्न कर रहा है। सर इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि वो सर्वर ऑर्गेनाइजेशन का लोकल कैशे सर्वर है, एक तो वजह ये हो सकती है। और दूसरी वजह सर ये तो ज़ाहिर है लोकल कैशे के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल आपके एक आध होप के फासले पे होगा, तो वो आपका बिल्कुल यानी कि इससे अंडर 5 मिलीसेकेंड ही परफॉर्म करेगा। सेकंड सर ये जो मैंने पढ़ा था इसी पेपर के हवाले से भी इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ था, और वैसे भी कि जो अकामाई नेटवर्क है उसकी ये पॉलिसी थी, और आपको पता है कि 50% से ज़्यादा सर्वर की जो फ्लोस थे वो अकामाई नेटवर्क हैंडल कर रहा था। अकामाई नेटवर्क का ये होता है कि वो अपने जो सर्वर होते हैं उसकी कोशिश होती है कि वो बड़े बड़े ISPs के अंदर जाके प्लेस करता है। ऐसे ही है बिल्कुल ठीक है। ये नहीं करता कि वो अपना किसी और जगह पे डाटा सेंटर बना रहे हो, उसकी वजह से वो भी आपको लोकल ही पड़े होते हैं, यानी कि एक तरह का लोकल ही ISP के जिस तरह कैशे सर्वर होते हैं उसी तरह से वो भी लोकल पड़ा होता है, तो वो मैनेज बाय अकामाई होता है, एंड यूजर से क्लोज है, कैशे की भी वजह है, और दूसरा अकामाई की जो प्लेसमेंट है उसकी पॉलिसी भी इस तरह की है। ठीक है चले ठीक है फैसल, बाकी नेक्स्ट जो है शफक आप शुरू करें, लेकिन 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद। ठीक है, मैं ज़रा नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, देन वी कंटिन्यू हो गए 7 बजे सर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ठीक है 7 बजे से या 7:05 पे शुरू कर देंगे, बट कीप इट शॉर्ट प्लीज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम।